नमस्कार। वर्चुअल क्लासरूम प्रोजेक्ट के आज के सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सत्र में हमारे साथ में डॉक्टर संदीप अंसुत्रे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी गवर्नमेंट एनपीजी साइंस कॉलेज रायपुर से हैं, और मैं डॉक्टर श्रीनिवास देशमुख, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी गवर्नमेंट वीवाईटी पीजी ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग से हूँ। आज आपके साथ में हम चर्चा करने जा रहे हैं, हमारे विशेषज्ञ आज हमारे सामने प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में कुछ ज्ञानवर्धक और रोचक बातें रखने वाले हैं। तो नमस्कार सर, आपका हार्दिक स्वागत है इस वर्चुअल क्लासरूम के आज के सत्र में। और धन्यवाद डॉक्टर देशमुख, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर देशमुख, दर्शकों का स्वागत और सभी छात्रगण जो इस लेक्चर को देख रहे हैं उन सबका स्वागत करता हूं इस वर्चुअल क्लासरूम में, मैं अपनी ओर से और अपने संस्थान की ओर से। सर, आज जो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, जी 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 सर, उसकी शुरुआत जी, ये एक पृथ्वी का इतिहास जी, उस पर जो महाद्वीपों का कॉन्फ़िगरेशन है जी, समय के साथ साथ कैसा बदलता गया है, ये इस एनिमेशन में हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसके ऊपर हम आपका कमेंट सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कुछ आपसे। प्रिय छात्रों, डॉक्टर साहब, जो एनिमेशन अभी आप यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, ये महाद्वीपीय विस्थापन और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समुद्र तैर का तल का फैलना, इन दोनों को ये दिखा रहा है जी, जी। मुख्य रूप से ये महाद्वीपीय विस्थापन को दिखा रहा है। प्लेट टेक्टोनिक्स जो ये जो कंसेप्ट आया, ये जो थियोरी आई जी, इसके पहले अल्फ्रेड वैगनर, जो कि जर्मनी में एक विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताया था जी, जी। और उस समय जब उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में बताया, ये 1912 की बात है जी, तब ये अर्थ शेकिंग थ्योरी के नाम से बड़ी प्रचलित हुई थी कि ये बहुत बड़ी थ्योरी है और ये इसने पूरे पृथ्वी को हिला के रख दिया, इतना बड़ा सत्य प्रतिपादित हो रहा है जी, जी। और छात्रों को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम केवल इस बात से खोजा था कि वो सेब पृथ्वी पे क्यों गिरा, आकाश में क्यों नहीं चला गया, वैसे ही वैगनर साहब एक दिन अपनी क्लास में बैठे थे और जिसे हम बच्चों की उसमें खिलौनों में देखते हैं, जिसे हम जिग्सा पजल कहते हैं, उन्होंने देखा कि सारे महाद्वीपों का को यदि हम जिग्सा पजल में जोड़े, उनकी उनकी जो सीमाएं हैं वो एक दूसरे में बराबर फिट होती है जी, जी। तो उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि ये महाद्वीप पहले एक दूसरे से जुड़े रहे होंगे। बस इतनी सी बात से शुरुआत हुई जी, जी। और उस विचार ने हाइपोथेसिस का रूप लिया और बहुत से प्रमाण हम अपने चर्चा में आगे देखेंगे, बहुत से प्रमाण अल्फ्रेड वैगनर ने अपने इस सिद्धांत के पक्ष में रखे। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा कि जो भी क्वेश्चंस उस पर रेस किए गए और जब ये पूर्ण रूप से स्थापित हो गई महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी जी, तब वैगनर इस दुनिया में नहीं थे, वो जा चुके थे जी, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही वर्ल्ड शेकिंग थ्योरी दी थी। उसके बाद हैरी हेस ने 1960 या 62 में हैरी हेस ने एक थ्योरी दी। तो डॉक्टर साहब, इसको हम यदि यदि सिलसिलेवार देखें, हायरार्की देखें जी, जी। तो है क्या कि एक्चुअली महाद्वीपीय विस्थापन के अल्फ्रेड वैगनर ने थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि एक पेंजिया था, ये पेंजिया दो भागों में बटा, लरेशिया ऊपर का भाग कहलाया जो नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड और यूरेशिया में टूटा, नीचे गोंडवाना लैंड कहलाया जो पांच महाद्वीपों में टूटा, इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका जी। उसके बाद ये 1912 की बात है, उसके बाद में सोनार राडार रिवील शेप ऑफ द ओशन फ्लोर के ऊपर थोड़ा काम 1940 में हुआ। उसके बाद ये प्रोजेक्ट था, वर्ल्ड प्रोजेक्ट था जिसमें
इसमें ड्रिल शिप थी जिसमें सैंपल्स इकट्ठे किए गए, जी और उससे इंफ्रारेड स्प्रेडिंग की थ्योरी को बड़ा बल मिला। जैसे जैसे हम अटलांटिक रिज से दूर जाते गए और हम अपने महाद्वीपों के सीमा के तरफ आते गए, तो रॉक्स की एज में एक सिलसिलेवार रॉक्स हमको पुरानी मिलती गई। जी उसके बाद में 1963 में हेस ने, जैसे कि छात्र लोग देख पा रहे होंगे, हेरी हेस ने सीप्रो स्प्रेडिंग की थी। अब जी यहाँ से शुरू होती है कहानी। पहला पेपर 1967 में पब्लिश हुआ जिसके ऑथर थे पार्कर एंड मैकेंजी, और उस पेपर का टाइटल था डॉक्टर साहब द पाविंग स्टोन थियरी। ये पहली बार, और तब तक ये शब्द प्लेट नहीं आया हुआ। अच्छा। उसके बाद 1967 के बाद 1968 में टूजो विल्सन वो व्यक्ति थे जिन्होंने ही क्वाइन द वर्ड प्लेट फॉर अ सर्टन टाइप ऑफ लिथोस्फेरिक क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ द मेंटल, वो अपन आगे देखेंगे व्हाट इज एक्चुअली लिथोस्फीयर, व्हाट इज अ प्लेट। उन्होंने पहली बार उसको प्लेट कहा, और ये प्लेट टेक्टोनिक, जिसको हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, छात्र लोग इसको जानते हैं, ये उन प्लेट्स दैट दोस प्लेट्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर डायनेमिक, एंड सिंस बिगिनिंग दे आर मूविंग, आइदर दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर और दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर और दे आर स्लाइडिंग अलोंग ईच अदर। इज आर द वो ये मोमेंट भी, हम आगे तीन टाइप का मोमेंट होता है वो भी देखेंगे। तो जी ये जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, ये इसी चीज को दिखाती है, इसी चीज को प्रतिपादित करती है कि एक कोई प्लेट नाम की चीज है जो स्टेशनरी नहीं है और ये मूव कर रही है, वो टेक्टोनिक एक्टिविटी, टेक्टोनिक है, डायनामिज्म है, जी डायनामिज्म है, दे आर नॉट स्टैटिक। कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर सर। साहब? अल्फ्रेड वेगनर साहब ने जो कॉन्टिनेंटल डिप की थ्योरी दी, प्लेट टेक्टोनिक्स में डिटेल में जाने से पहले जी हम यदि थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में यदि हम चर्चा कर ले और हम जी उसको जी देख ले, तो हम टेक्टोनिक्स को समझने में और आसानी होगी। तो ये पहली सीढ़ी है, उसके बाद सी फोर स्प्रेडिंग, और जी प्लेट टेक्टोनिक्स इन दोनों को समाहित करती। बिल्कुल अल्फ्रेड वेगनर ने जो जो अपने थियरी के पक्ष में, उस समय तो हाइपोथेसिस कहना चाहिए, जब उन्होंने प्रतिपादित किया था, उन्होंने जो कुछ एविडेंसेस दिए थे, कुछ प्रमाण दिए थे, तो पहला प्रमाण हम देख सकते हैं पजल फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट मैचिंग द कोस्ट लाइंस, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। यदि जी आप कॉन्टिनेंट देखेंगे, ये देखिए जैसे वर्ल्ड का नक्शा देखेंगे आप, तो ये एक दूसरे को मैच करते हुए दिख रहे हैं। किसी कागज को हम आड़ उसको फोल्ड करें और उसको फाड़ दे, तो हम ये देख सकते हैं कि कागज कहाँ से फटा है, हम उसको फिर से जोड़ सकते हैं। वैसा ही ये जिग्सा पजल में, ये सारे कॉन्टिनेंट्स की देखिए, आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं से पहले जुड़े रहे होंगे, उसके बाद में ये अलग अलग। उसके बाद उन्होंने जो दूसरा जो प्रमाण दिया, वो सिमिलर माउंटेन रेंजेस अक्रॉस द इंटरवेंडिंग ओशन, उसके बाद में सिमिलर टाइप ऑफ द रॉक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में जो रॉक्स मिलती है गोंडवाना में, जिसको जी हम गोंडवाना सीक्वेंस कहते हैं रॉक्स, वो ताल्चीर, दामोदा, पांचेत, महादेवा, राजमहल, जबलपुर, ताड़ेपा, मारेजा, ये उसका सक्सेशन है, जी जिसमें नीचे के ताल्चीर बोल्डर बेड है, जी जी उसके बाद में सैंडस्टोन्स है, उसके बाद में कोल बेरिंग रॉक्स है जिसमें अपने को कोल मिलता है, उसके बाद में ऊपर में एक ड्राई बेड आता है, उसके बाद में फिर कुछ कम पैमाने पे कोल मिलता है, अपर गोंडवाना जिसको हम कहते हैं, और इसमें गोंडवाना फॉसिल्स मिलते हैं, और उसके बाद में डेकन ट्रैप्स का, क्रिटेशियस में हमको डेकन ट्रैप्स का फ्लो मिलता है। जी तो छात्रों को जानकर ये बड़ा आश्चर्य होगा, और किसी को भी जानकर ये आश्चर्य होगा कि ये जो सक्सेशन है, ये सभी जगह, चाहे वो अफ्रीका हो, अंटार्कटिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ये दूसरे कॉन्टिनेंट पे भी सेम मिलता है। वहां नीचे में मिलेगा, उसके बाद में कोल बेरिंग पेड़ मिलेगा, उसके बाद में डेकन ट्रैप का इरप्शन मिलेगा। तो ये ऐसे कैसे संभव हुआ कि सभी जगह एक जैसे रॉक्स बनी होगी? आज यदि इंडिया में कोई रॉक्स बन रही है, जरूरी नहीं कि इंग्लैंड में वही रॉक्स बन रही हो, ये जरूरी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में वही रॉक्स बन रही हो, क्योंकि नाउ दे आर अपार्ट। इसका कंक्लूजन यही वेगनर ने कहा कि ये एक साथ बने हैं और एक साथ बनने के बाद में ये टूटे हैं। तो जी ये जो डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ, ये जो दूर होना शुरू हुआ लगभग 200 मिलियन ईयर पहले जब ये शुरू हुआ, उसके बाद में कोल्ड डिपॉजिट, आप देखिए कोल्ड डिपॉजिट को बनने के लिए, और इसमें जो नीचे ताल्चीर बोल्डर बेड की मैं जो बात कर रहा था, जो ताल्चीर नाम की एक जगह उड़ीसा में,
जी वहां पे ये बोल्डर रिकॉर्ड मिलते हैं। तो बोल्डर का मतलब ग्लेशिएटेड क्लाइमेट में ये बने हैं जी और कोल्ड क्लाइमेट में बने हैं। तो ये कोल्ड क्लाइमेट और ग्लेशिएटेड क्लाइमेट सभी कॉन्टिनेंट में एक साथ रहा होगा, अगर वो अलग अलग रहेंगे तो संभव नहीं है। आज जो क्लाइमेट इंडिया में वो क्लाइमेट है ना, जी वैसे ही यदि आप हम देखें कोल डिपॉजिट होने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप का एनवायरमेंट लगता है, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट लगता है। तो जी वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट सारे कॉन्टिनेंट्स में एक जैसा रहा होगा, ये भी संभव नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कॉन्टिनेंट जुड़े हुए थे, इनका रॉक्स का और कोल का और बोल्डर बेड का निर्माण एक साथ हुआ, उसके बाद कॉन्टिनेंट आए। वैसे ही अपने को फ्रेश वाटर फॉसिल या गोंडवाना फॉसिल, ये सारे गोंडवाना कॉन्टिनेंट जिनको हम गोंडवाना कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, ये पांचों जगह एक जैसे मिले, एक जैसे मिलते हैं। तो ये एविडेंसेस उन्होंने उसके पक्ष में दिए थे। जी, can we have the next? यहाँ पे अपन देख सकते हैं अक्सर ये कॉन्टिनेंट जो जुड़े हुए थे उनके बाउंड्रीज अपन दे सकते हैं। इसमें एक बड़ी we can go to the next slide please सर। हाँ ये देखिए, इसमें बराबर सिलसिलेवार ये 200 मिलियन 250 मिलियन पहले ये परमियन में, फिर ट्राइसिक में क्या पोजीशन रही, यूरेसिक में क्या पोजीशन रही, और आज सबसे नीचे जो है वो आज कॉन्टिनेंट्स कैसे एक दूसरे से अलग अलग। तो सर जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, जो आपने कहा था कि जी पहले एक पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट था, पेंजिया और फिर वो कॉन्टिनेंट 1900 में टूटा गुंडवाना लैंड और लॉरेशिया में, और फिर ये दो हिस्से और अलग अलग होते गए, और प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से ये ड्रिफ्ट होते 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 आज की प्रेजेंट डे सिचुएशन। एक्चुअली एक्चुअली यहाँ में एक चीज बहुत मेरा एक समीशन है, हम्बल समीशन दरअसल, जी कि ये एक दो चीजें हैं। एक तो पेंजिया नाम हमने उस सुपर कॉन्टिनेंट को दिया है, और उससे वो जो घिरे हुए था उसको हमने पेंथालसा कहा है। जी तो मेरे ख्याल से ग्रीक भाषा में पेंजिया का मतलब ही सुपर कॉन्टिनेंट और पेंथालसा का मतलब ही सुपर ओशन होता है। तो ये नाम हमने दिया, उस समय कोई था नहीं नाम देने, और ये नाम हमने दिया। ये जियोलॉजी के बच्चों को ये बहुत जरूरी है, उनको टाइम का कंसेप्ट होना बहुत जरूरी है। यदि कोई कोई बच्चा जियोलॉजी पढ़ रहा है, भूविज्ञान पढ़ रहा है, तो ये हमने दिया एक चीज। और दूसरी चीज, यदि हम इसको प्लेट टेक्टोनिक्स के चश्मे से देखना चाहे, हम आज देख जरूर सकते हैं, लेकिन जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की हम बात कर रहे थे तब तक प्लेट टेक्टोनिक्स आया नहीं था। 1912 में विग्नर साहब ने ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट प्रपोज किया, 1967 में पहला पेपर पब्लिश हुआ, और 1968 में टूजो विल्सन ने उसको प्लेट नाम दिया लिथोस्फियर को, और उसके बाद में प्लेट टेक्टोनिक्स आना शुरू हुआ और प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी एस्टैब्लिश हुई। हाँ, अपन रिट्रोग्रेसिव उसमें जाके जरूर उसको कह सकते हैं कि उस चश्मे से आप ये चीजें देखना बड़ा आसान हो गया। एक चीज और सर इस विषय में और आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि इस चित्र में हम लोग देख पा रहे हैं, जी तो क्या इससे ये भी कुछ इस इंगित होता है कि 250 मिलियन ईयर्स के पहले ये प्लेट टेक्टोनिक्स का उद्भव नहीं हुआ था, या ये काम नहीं कर रहा था, या इस पर अभी भी कुछ कार्य या रिसर्च चल रहा है? अब सब देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने प्रश्न उठाया है, और ये छात्रों के मन में भी ये होता है कि प्लेट टेक्टोनिक्स या कॉन्टिनेंटल पेंजिया बना तो उसके पहले कुछ हुआ नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि जब आपने अपने फोल्ड में देखा होगा, जब मल्टी फोल्डिंग होती है, मल्टी फेसेटेड फोल्डिंग, तो कई बार क्या होता है उसके पहले वाला जो फोल्ड होता है उसका कोई हमको निशान नहीं मिलता, वो छुप जाता है। निशान मिलता है तभी हम बता पाते हैं कि ये इसके पहले ये फोल्डिंग हुई। अदरवाइज क्या है, वो उसको पूरा पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर लेता है, और हमको जो बाद में फोल्डिंग हुई है वही पता चलती है। तो कहने का आशय ये है कि अभी जो हमारे पास प्रमाण है वो परमियन और उसके आगे प्री पेंजिया ड्रिफ्टिंग भी हुई होगी। अब इसमें कॉमन सेंस, हम यदि डॉक्टर साहब, हम यदि अपन देखें सर, तो इसमें जो जो सेडिमेंट्स प्रोटोजोइक में डिपॉजिट हुए, वो बेसिन्स कहाँ बनी, इतनी ह्यूज बेसिन्स बनी तो वो कहाँ बनी, वो मार्जिन पे ही बनी होगी। और उसमें जो हम उसकी थिकनेस भी देखते हैं उन सेडिमेंट्स की, तो वो भी काफी है, मतलब वो इंक्लाइनल बेसिन्स रही होगी। तो इसका मतलब पहले भी ये कॉन्टिनेंट अलग अलग थे, और पर्टिकुलरली एक माउंटेन, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, एक यूरल माउंटेन से भी ये सिद्ध होता है कि ये पहले अलग अलग थे, उसके बाद ये एक हुए पेंजिया बना, और उसके बाद फिर उसके बाद जो
हुई है उसका हमको क्लियर कट एविडेंसेस मिलते हैं, वेगनर साहब को मिले, हम जानते हैं, वेगनर साहब ने उसको प्रतिपादित किया, सबने माना और हम आज उसको जानते हैं। उसके पहले जो एविडेंसेस हुए हैं वो एविडेंसेस बहुत आपको कहीं कहीं इक्का दुक्का मिलेंगे, तो उसके वाले सर्टनली कहना सिद्ध करना मुश्किल है, लेकिन उसके प्री गोंडवाना ड्रिफ्टिंग मस्ट हैव बीन देयर, ये बहुत से पुस्तकों भी हमको रिफर किया। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अब दूसरी बात, प्लेट टेक्टोनिक्स आया कैसे? यहाँ पे छात्र लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, यदि हम ये पृथ्वी पर अर्थक्वेक भूकंप के आने और वोल्केनोस का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, तो पैसिफिक ओशन के चारों ओर जो जिसको हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं, यदि हम उसको क्रॉस करें तो एक एक गार्लैंड जैसा बनता है चारों ओर, और वो गार्लैंड जो है वो हम उनके पॉइंट्स को यदि वोल्केनोस के पॉइंट्स को ट्रेस करते जाए तो उसको रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है जी। तो ये लोगों ने ये सोचा, जैसे वेगनर साहब ने शुरू में सोचा कि इसकी बाउंड्रीज मिली होनी चाहिए, ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से मिले होने चाहिए। This systematicity, what I should say, this systematicity, this alignment, they compelled, they forced thinkers to give thought for food for thought. ये particular trend को क्यों follow कर रहे हैं? सारे के सारे volcanoes ये trend को क्यों follow कर रहे हैं? And from there the plate tectonics emerged. कि ये plates है और ये move कर रही। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। दीज आर द प्लेट्स, यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि देर आर मोर 7 मेजर प्लेट्स एंड नियर अबाउट 12 माइनर प्लेट्स। ये रेफरेंस नेट में या टेक्स्ट बुक्स में भी छात्रों को कई मिल जाएगा, उसमें मेजर प्लेट में एक मेजर प्लेट पैसिफिक प्लेट जो है वो ओशनिक प्लेट से, बाकी इंडियन प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, साउथ अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ये सारी जो प्लेट है ये मेजर प्लेट्स हैं जो कॉन्टिनेंट जी। एक पैसिफिक प्लेट जो है वो ओशनिक। इसके बाद में सर हम लिथोस्फीयर के ऊपर आते हैं। अब ये बड़ा सुंदर बात है कि ये कहना बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि ये प्लेट्स है, ये घूम रही है, अरे तो ये कैसे घूम रही है, ये कैसे मूव कर रही होगी, ये सोचने के लिए एक्चुअली जेडी डाना ने बड़ा सुंदर कहा कि दिस एक्सट्राविजंस ऑफ नेचर इज अ सोबर साइंटिफिक फैक्ट। तो ये जो हमको दखता है कभी कभी, एक्चुअली डॉक्टर साहब अगर इफ यू परमिट मी टू से दैट व्हाट इज साइंस, साइंस इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ ये लिमिट आपने जहाँ पे क्रॉस की तो फिर कभी कभी हमको वो झेलना पड़ता है जो आज हम। सो साइंस इज नथिंग बट इट इज अंडरस्टैंडिंग द नेचर and nature is ultimate, nature is boss. So and this extravagance of nature, it is also sober scientific. So lithosphere kya hai, plate kya hai? Suzo Wilson ne plate kaha us cheez ko ki it is 100 to 150 kilometers thick total part of the crust and some upper part of the mantle which is elastic in nature, that is very important. So the past part of the crust is and some upper part of the mantle which is elastic in nature, it is a plate. Actually uska pura naam jaise mera naam Sandeep Vansutre hai, pura naam uska lithospheric plate, to hum usko plate keh dete hain, plate means lithospheric plate. Aur uske niche mein asthenosphere hai which is plastic in nature, uske niche mein phir asthenosphere ke niche mein pyrosphere hai जिसमें आपको अपने को कोर मिलता है, निकल आयरन मिलता है। ऊपर सर जब हम जाते हैं लिथोस्फीयर के ऊपर तो हाइड्रोस्फीयर है, उस हाइड्रोस्फीयर में सभी आ जाता है, ग्लेशियर्स, वाटर बॉडीज, नदियां, ओशंस, एवरीथिंग, वाटर वेपर, एवरीथिंग, दैट इज हाइड्रोस्फीयर। देन बायोस्फीयर है जिसमें हम भी आते हैं, बैक्टीरियाज भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, दैट इज बायोस्फीयर। उसके बाद एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर, प्रोपोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सारा स्फीयर्स है। तो अभी हम केवल विषयांतर न हो इसलिए हम केवल लिथोस्फीयर पे स्पीक करेंगे, लिथोस्फीयर पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो लिथोस्फीयर इज 100 एंड 150 किलोमीटर थिक विच इज इलास्टिक इन नेचर विच इज फ्लोटिंग ऑन द प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर। नाउ द व्हाट इज द ब्यूटी हियर, यू सी
अब ये किसी भी छात्र को लग सकता है, मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे भी लगता कि हाउ इट इज फ्लोटिंग ऑन द एस्थेनोस्फीयर। तो ये करने के लिए अपने को एक चीज हम छात्रों को ध्यान में लाना पड़ेगा कि वो जो प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर है नीचे में वो कैसा है। प्लास्टिक का सबसे, फिजिक्स वाले बच्चे जानते होंगे जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी, कि प्लास्टिक का सबसे अच्छा उदाहरण है कुम्हार की गीली मिट्टी। जो कुम्हार जिससे घड़ा बनाता है उसकी जो गीली मिट्टी होती है उसमें प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिक का मतलब वही कि इफ यू अप्लाई एनी एनी स्ट्रेस ऑन दैट एंड इट विल नॉट कम एनी अमाउंट बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट एंड दैट इज द डिफरेंस। वैसा इलास्टिक इट विल कम टोटली टू द इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जो स्टील के रॉड है उसको टोटल प्लास्टिक माना गया। अब आप बहुत बड़े कमरे में कुम्हार की गीली मिट्टी भर दीजिए और उसके ऊपर स्टील की मोटी मोटी परत डाल दीजिए, वो जैसी तैरेगी उसके ऊपर, इन द सेम मैनर द लिथोस्फीयर इज फ्लोटिंग ऑन द प्लास्टिक एस्थेनोस्फीयर। इट इज नॉट, आई अंडरलाइन, इट इज नॉट फ्लोटिंग एज एनी प्लाईवुड इज फ्लोटिंग ऑन द रिवर बेड। इट इज फ्लोटिंग एज एनी एनी स्टील की जो प्लेट ले लो आप, 2 फीट मोटी प्लेट ले लो और 10 फीट मोटा मान लीजिए आपने कुम्हार की गीली मिट्टी ली और उसके ऊपर वो आपने 2 फीट मोटी स्टील की प्लेट डाल दी, तो जैसे वो तैरेगा वैसी ये प्लास्टिक अस्थि। अब सर इसमें यहाँ पर कही गई है जी लिथोस्फीयरिक प्लेट्स को भी, उसमें लिथोस्फीयर को उन्होंने और आगे क्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 हिस्सों में कुछ बताया है, ओशियनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इसके बारे में सर कुछ और हम लोग। जैसे मैंने अभी अपन चर्चा कर रहे थे डॉक्टर साहब की व्हाट इज लिथो प्लेट, प्लेट इज अ टोटल पार्ट ऑफ द क्रस्ट एंड वी नो दैट क्रस्ट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, वन इज सियाल एंड सीमा, सिलिकन एंड एल्यूमिनियम। जब पृथ्वी ठंडी हुई होगी जैसे दूध जब ठंडा होता है तो जिसकी उसमें जो मलाई बनाने वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो चूंकि उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है तो वो ऊपर आ जाते हैं, वैसे ही जब पृथ्वी ठंडी हुई होगी तो सिलिकन एल्यूमिनियम इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम थी तो क्रस्ट में ऊपर आ गए, और उसके बाद में जैसे जैसे हम नीचे चले जाते हैं तो हम जानते हैं कि उनकी डेंसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद में सीमा सिलिकन एंड मैग्नीशियम मिनरल्स के, मैग्नीशियम क्योंकि ज्यादा डेंस अपन बॉयल्स रिएक्शन में देखेंगे तो जैसे जैसे हम टॉप से नीचे आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी घटती जाती है राइट फ्रॉम ओलिविन टू द क्वार्ट्ज, तो स्पेसिफिक घटती जाती है। तो जिसमें आयरन मैग्नीशियम कंटेंट ऊपर में ज्यादा है ओलिविन में, फिर एम्फीबोल्स में, पैराग्जिन्स में, ये नीचे नीचे आते आते घटते जाता है, और नीचे में लाइट कलर मिनरल्स है विच आर एसिडिक इन नेचर। तो वैसे ये फ्लोट होके जब पृथ्वी ठंडी हुई तो सियाल और सीमा, तो नीचे से हम यदि उसको बांटे तो कोर एंड मेंटल एंड क्रस्ट, और उसके बाद में क्रस्ट के 2 भाग, तो ये जो 3 डिस्कंटेंटीज उसका नाम ही असंतति है। उसकी मतलब उसके शब्द से भी बड़ा क्लियर है, इट इज नॉट डिस्कंटिन्यूटी, इट इज नॉट इन कंटिन्यूशन। इन व्हाट सेंस इट इज नॉट इन कंटिन्यूशन? इन द सेंस ऑफ, इन द सेंस ऑफ velocity of the P and S waves, and that velocity of P and S waves are directly related to the density of the rocks. Since the density is changing from earth crust to the core, hence the velocity of the P and S waves, the characteristics of the P and S waves are changing. So here in the crust, CR and CMA, there are 2 parts. Which is separated by the GMC, Conrad discontinuity. इसको ध्यान में भी अगर बच्चों को रखना है तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं BSc पढ़ता था, GMC नीचे से यदि आप जाएंगे गुटनबर्ग, मोहरविसिक, कॉनराड, गांधी मेडिकल कॉलेज। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। उसके बाद जैसे स्क्रीन पे बच्चे देख पा रहे हैं, अब ये प्लेट एक दूसरे से मूव होती है, तो देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट ओनली। अब ये 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्यों होंगे, अगर विषयांतर में हो तो मैं थोड़ा सा उसको टच करता हुआ बगल से निकल जाऊंगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेस यदि अप्लाई होगा डॉक्टर साहब तो उसका जो हाइपरबोला बनता है, उसका जो स्ट्रेस इलिप्सॉइड बनता है, उसमें 3 एक्सिस बनती है और 3 ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस, इंटरमीडिएट स्ट्रेस एंड
मिनिमम स्टेट। सो देर 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 कैन बी ओनली थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट, डाइवर्जेंट मूवमेंट, कन्वर्जेंट मूवमेंट, स्ट्राइक। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन द प्लेट्स एंड हेंस करस्पॉन्डिंगली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द बाउंड्री। उसी हिसाब से तीन टाइप की बाउंड्रीज है। जहां पे प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही उसको कह रहे हैं हम डाइवर्जेंट मूवमेंट। अब ये जो डाइवर्जन मूवमेंट है इसमें इसमें डाइवर्जन मूवमेंट है इसमें उदाहरण जो हम यदि देखना चाहें तो साउथ अमेरिकन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड देयर इज अ अटलांटिक ओशन इन बिटवीन व्हिच इज गेटिंग वाइडर एंड वाइडर डे बाय डे व्हाट वी लर्न। तो ये दोनों का मूवमेंट है। उसके बाद में यदि हम कन्वर्जेंट मूवमेंट, हाँ इसमें एक चीज और देखेंगे, यदि डाइवर्जेंट मूवमेंट है तो बड़ा सुंदर चीज है कि अगर मूवमेंट डाइवर्जेंट है, प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है, इसका मतलब ये है कि वहां पे कुछ, जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तो वहां कोई रिक्त स्थान नहीं बचेगा, वहां कुछ ना कुछ होगा। तो कुछ ना कुछ होगा मतलब ओशन का निर्माण होगा, वहां पे वाटर बॉडीज बनेगी, बहुत ह्यूज वाटर आएगा, ओशन का निर्माण होगा। और चूंकि ये प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है नीचे से जो मैग्मा आएगा वो मैग्मा मिड ओशनिक रिजेस बनाएगा, उसको एमओआर कहते हैं, एमओआर मिड ओशनिक रिजेस। मिड मतलब वो समुद्र के बीच में है, ओशनिक है समुद्र के बीच में, रिज मतलब उठा हुआ भाग। व्हाई रिज, यहां से उठा हुआ भाग, क्योंकि नीचे से जो मैग्मा सप्लाई हो रहा है विच इज बेसाल्टिक इन नेचर। यहाँ छात्रों को यह ध्यान देना है कि जहां भी प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है और नीचे से जो मैग्मा आ रहा है दैट विल बी बेसाल्टिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, बिकॉज दैट मैग्मा इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द अपर मेंटल। एंड व्हाई देयर आर देयर इज अ मूवमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के प्लेट से भी एक दूसरे की तरफ आ रही है तो देयर विल बी डिस्ट्रक्शन यदि प्लेट एक दूसरे से दूर टकराएगी। जैसे यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का हम सबसे अच्छा उदाहरण ले सकते हैं कि इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो हिमालयन माउंटेन का निर्माण हुआ और टूट फूट वहां पे हुई। जब भी दो प्लेट टकराएगी तो देयर विल बी डिस्ट्रक्शन, इसलिए उसको डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। और जो हम इसके पहले देख रहे थे जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती तो उसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज कहते हैं। व्हाई Something is being constructed there. What is being constructed? Ocean is being constructed, or MOR being constructed, mid-oceanic ridges are being constructed. हाँ, उस बीच में फिर movement होगा, फिर उसमें constant gravel. उसके बाद में this is continued. लेकिन ये नीचे से में, और यहाँ पे जब plate एक दूसरे से दूर जाती है, this is very important. छात्र लोग बड़े इसमें they can enjoy it. जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे के तरफ आती है, टकराती है, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाएगी, यहाँ भी बड़ी सुंदर बात है, अगर दो प्लेट में से एक प्लेट ओशनिक है तो इसका मतलब उस ओशनिक प्लेट में सियाल पोर्शन नहीं है, सीमा ज्यादा है, सीमा ज्यादा है मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो असेंशियली वो प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे जाएगी जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो। और ये कितने दूर तक जा सकती है? ये जा सकती है 700 किलोमीटर नीचे तक। और यहाँ पे बड़ी सुंदर बात ये भी है कि इसीलिए जहां पे कन्वर्जन मूवमेंट होता है, जहां पे डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज होती है, वहां पे जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनकी फोकी जो है, उनका केंद्र जो, वो 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर नीचे तक हो सकता है। बिकॉज थिकनिंग ऑफ लिथोस्फियर इज देयर, आई अंडरलाइन दिस, थिकनिंग ऑफ लिथोस्फियर, वहां लिथोस्फियर मोटा हो रहा है क्योंकि एक प्लेट नीचे जा रही है, दूसरी प्लेट भी वहां है, दोनों प्लेट मिलके लिथोस्फियर थिकनेस बढ़ती जा रही है। पहले ही देखा है कि लिथोस्फियर इलास्टिक होता है नेचर से, और भूकंप केवल इलास्टिक बॉडी में ही आ सकते हैं, प्लास्टिक में नहीं आ सकते। यदि मैं कुम्हार के गीली मिट्टी को यहाँ कितना भी ठोकूं तो दूसरी तरफ उसकी कोई तरंगे नहीं जाएगी, मुझे झटका नहीं लगेगा, लेकिन स्टील की रॉड को यदि मैं इस टेबल पे ठोकूं तो मुझे उसमें झटका लगेगा, उसमें से तरंगे बनेगी, तो मेरे हाथ में वो झटका देगी। तो अभी हम लोग जहाँ बैठे हैं वहां भी भूकंप आ रहा है, हमको पता इसलिए नहीं चल रहा है कि उनकी उनकी तीव्रता उतनी ज्यादा नहीं है, जब उनकी तीव्रता एक लिमिट से ज्यादा होती तब हमको पता चलता है, लेकिन ये भूकंप जो फिनोमेना है ये कंटिन्यूसली आ रहा है। तो थिकनिंग ऑफ लिथोस्फीयर होने के वजह से वहां पे आने वाले भूकंपों का केंद्र 700 किलोमीटर हो सकता है। दूसरी बात जिसको मैं बताना चाह रहा था कि एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के नीचे जाती है, नीचे में बेसिक मैग्मा है, ऊपर से हम जो प्लेट जा रही है उसमें कुछ पोर्शन एसिडिक मैग्मा का भी है या सियाल का भी हो सकता है,
तो यहाँ पे जो माउंटेन्स बनते हैं, यहाँ पे जो वोल्केनोज आते हैं, यहाँ जो मैग्मा निकलता है, ये एंडेसिटिक नेचर का है, इंटरमीडिएट नेचर का, इंटरनेट क्योंकि बेसिक में एक एसिडिक मिलेगा, दूध में पानी मिलेगा, तो वो पानी मिला दूध, प्योर दूध पानी इंटरमीडिएट मिल, बीच का पोर्शन आपको मिक्सचर मिलेगा, बीच का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। बेसिक दूसरी प्लेट जा रही है स्लाइटली एसिडिक एंड व्हाट यू सी आर मस्ट बी देयर इन सम पार्ट। तो दोनों के उसके जब वो जाके 700 मीटर से नीचे पिघलेगी, और पिघल के जब वो ऊपर आएगा मैग्मा, तो दैट विल बी समवॉट ऑफ इंटरमीडिएट नेचर। और इसमें एक 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 नाम हमने और सुना है, आइलैंड आर्च बनते हैं। जी अब आइलैंड मतलब यदि दूसरी प्लेट ओशनिक प्लेट है मान लो, जी और उसमें उसमें यदि वोल्केनोस का निर्माण हो रहा है, एक प्लेट नीचे जाने की वजह से वो मैग्मा 700 किलोमीटर तक जा रहा है, वहां से वो पिघल के ऊपर आ रहा है, और वो एक लाइन में। अब ये आर्क छात्रों को ये सोचना चाहिए कि उनके दिमाग में ये बात आ रही, वहां आर्क या आर्क शब्द क्यों? अगर पृथ्वी चपटी होती या पृथ्वी चौकोर होती तो आर्क नहीं होता, बराबर आइलैंड लाइन होता, क्योंकि पृथ्वी स्फेरिकल है, और उसपे यदि हम किसी भी स्फीयर पे कोई लाइन खींचेंगे तो ये जो माउंटेन्स है ये एक लाइन में जरूर है, लेकिन वो स्फेरिकल सरफेस पे है, तो वो आर्क है। तो दैट्स व्हाई आइलैंड आर्क, एंड सिंस दे आर इन द ओशनिक प्लेट दे आर आइलैंड एंड दे आर आर्क। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो सर अभी तक जो चीज़ें हम लोगों ने समझने की कोशिश की, अगर उसको सम अप करने की कोशिश करूं तो हमको ये चीज़ मालूम पड़ी कि तीन टाइप की प्लेट बाउंड्रीज होती है, एक डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दूसरी कन्वर्जेंट प्लेट जी, बाउंड्री और तीसरी और एक ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को अभी हमने टच नहीं किया था डॉक्टर साहब, जैसे सेंट एंड्रयूज फॉल्ट का नाम हमने हमने सुना है, वो पैसिफिक ओशन और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के एक दूसरे के अलोंग स्लाइड होने के कारण, एक दूसरे के अलोंग स्लाइड होने के कारण वहां पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बना है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बना है, और उसको ट्रांसकरंट या उसको उस बाउंड्री को हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज और ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, कंजर्वेटिव ये तीन बाउंड्री। टाइप का मूवमेंट इसमें होता है। अब जैसे एक दूसरे पे की तरफ जब प्लेट जा रही है, कन्वर्जन मूवमेंट जब हो रहा है, तो हम हिमालयन क्षेत्र में जैसे देख सकते हैं, छात्रों ने नाम सुने होंगे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। एक प्रश्न शायद उनके दिमाग में आया होगा या आना चाहिए, व्हाई थ्रस्ट, व्हाट इज दैट थ्रस्ट? थ्रस्ट इज अ फॉल्ट, व्हिच व्हाट इज थ्रस्ट फॉल्ट? दैट इज अ रिवर्स फॉल्ट, लो एंगल रिवर्स फॉल्ट। व्हाई रिवर्स फॉल्ट? बिकॉज आप, मैं इसको समझाने के लिए एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेरियस एग्जांपल लेना चाहूंगा डॉक्टर साहब आपकी परमिशन से, कि आप मुझे हिमालय में नॉर्मल फॉल्ट दिखा दीजिए, मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि हिमालय की हाइट इससे ज्यादा थी अब कम हो गई। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसका मतलब यह है कि चूंकि वहां मूवमेंट जो है प्लेट एक दूसरे इसको टकरा रही है, कन्वर्जन मूवमेंट है ना, जी तो इसमें कन्वर्जन में हम जानते हैं जब प्रिंसिपल स्ट्रेस जब हॉरिजॉन्टल होगा तो वहां पे हमेशा रिवर्स फॉल्ट ही बनेंगे, बिल्कुल या रिवर्स फॉल्ट ही बनेंगे या थ्रस्ट फॉल्ट ही बनेंगे। इसलिए हिमालयन रीजन में जो पाए जाने वाली मुख्य फॉल्ट है, मैं छोटे मोटे लोकल फॉल्ट की बात नहीं करूँ, जो मुख्य फॉल्ट है वो सब थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, वो नेपे और बिकॉज जी ऑफ द मोमेंट इज कन्वर्जेंट, द प्लेट्स आर, प्लेट जो है एक दूसरे को टकरा रही है, देयर कैन बी नो मेजर नॉर्मल, क्योंकि रिवर्स फॉल्ट में होता क्या है, रिवर्स फॉल्ट में हैंगिंग वॉल गोज अगेन अप, नॉर्मल फॉल्ट में हैंगिंग वॉल, हैंगिंग वॉल कम से कम, इसलिए मैंने जो कहा था कि आप मुझे नॉर्मल फॉल्ट दिखा दीजिए, मैं सिद्ध कर दूंगा कि हिमालय की हाइट इससे पहले ज्यादा थी, क्योंकि नॉर्मल फॉल्ट अगर हुआ है इसका मतलब वो पहले से हैंगिंग वॉल नीचे आई है, हाइट जी ऐसा नहीं है ना। बराबर तो सिर्फ थ्रस्ट फॉल्ट अपने को मिलते हैं, क्योंकि मोमेंट जो है वो कन्वर्जन मोमेंट। बहुत सुंदर। तो सर इसमें जो तीन टाइप की प्लेट बाउंड्रीज जो हम लोगों ने जानी अभी, डाइवर्जेंट प्लेट जी बाउंड्री, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, इसके साथ जी ही साथ एक चीज़ और आज हम लोगों ने जानी कि ये प्लेट बाउंड्रीज के अलावा ये प्लेट्स के कंस्टिट्यूएंट्स या प्लेट के कंटेंट के हिसाब से भी ये इनके बीच का जो इंटरेक्शन है ये मायने रखता है। जैसे इस चित्र में हम लोग देख पा रहे हैं कि एक ओशियनिक प्लेट एक कॉन्टिनेंटल प्लेट से जी जब टकराएगी
तो क्या होगा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अलोंग, और एक ओशनिक जी प्लेट, एक ओशनिक प्लेट के साथ में जब उसका कन्वर्जेंस होगा तो क्या होगा, और क्या एक होगा, जब राइट। कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ में जब कन्वर्जेंट होगी तो क्या होगा। सर इसके ऊपर थोड़ा सा जी प्रकाश डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, जैसे हमने अभी चर्चा की थी कि ओशनिक प्लेट अगर होगी तो उसमें मैक्सिमम सियाल वाला जो पोर्शन है जी वो अनुपस्थित होगा, वो नदारद होगा। उसमें ओशनिक प्लेट में मैक्सिमम सीमा होता है, मतलब सिलिकन मैग्नीशियम लेयर होती है, नीचे की लेयर होती है। तो एक ओशनिक प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराएगी तो बट नेचुरली दोनों टकराएगी तो ओशनिक प्लेट से नीचे जाएगी क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा जी है ना। वैसे ही बिल्कुल ओशनिक प्लेट से टकराएगी तो ये समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं कि दोनों की दोनों प्लेट कहीं भी टकरा के वो रुक जाएगी, क्योंकि क्योंकि मूवमेंट कंटिन्यूड है तो वन प्लेट हैज टू गो बीनीथ डाउन। अनदर, दैट मूवमेंट इज टू बी कंटिन्यूड। तो उसमें भी जो प्लेट नीचे जाएगी, जिसकी जिसकी डेंसिटी और जिसकी जहां पे कंडीशंस नीचे जाने की होगी, वो प्लेट नीचे जाएगी और दैट मूवमेंट विल बी कंटिन्यूड। लाइक वाइज बोथ द प्लेट्स आर, इफ बोथ द प्लेट्स आर कॉन्टिनेंट्स, लाइक पहले टेथिस सी था, हम अपने इंडियन प्लेट का उदाहरण यदि ले ले तो देयर वाज अ टेथिस सी अर्लियर, जिसको हमने टेथिस सी, फिर मैं वही बात कह रहा हूँ कि हमने उसको टेथिस सी नाम दिया, टेथिस सी था तब हम नहीं थे। तो वो टेथिस सी हम जिसको हमने नाम दिया है, वो जब था, जब दोनों प्लेट टकराई वो टेथिस सी वैनिश हो गया। अब तो दोनों कॉन्टिनेंट बची, एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे गई तो इंडियन प्लेट टकराई एंड दैट इज मोमेंट इज स्टिल कंटिन्यूड। और हमने सुना है, छात्रों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हिमालय की हाइट अभी भी लगातार बढ़ रही है। और वो ये देखिए सुंदर, बड़ा सुंदर आपने स्क्रीन पे ये लाया है, ये पहले टेथिस ही था, ऊपर के पोर्शन में, ऊपर के चित्र में हम देख सकते हैं। और उसके बाद में जब ये इंडियन प्लेट जाके टकराई तो दैट टाइम afterwards it became the continental collision, both the plates were continental sort of thing, and more importantly आप छात्रों को जानकर आश्चर्य होगा कि उसके जो कोर में जो है वो ग्रेनिटिक रॉक से, क्योंकि वो एक प्लेट दूसरे प्लेट के अंदर गई, वो मैग्मा ऊपर आया, बट ऑन द टॉप ऑफ द हिमालय देयर इज अ सेडिमेंटरी रॉक लाइमस्टोन। अब आप सोचिए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन सोचने योग्य है कि 8,848 किलोमीटर के ऊपर में सेडिमेंटरी रॉक, हाउ इट इज पॉसिबल। या तो समुद्र उतना ऊपर रहा होगा, वहां पे सेडिमेंटरी रॉक बनी होगी, फिर बाद में समुद्र हट गया, ऐसा नहीं। लेकिन वो सेडिमेंटरी रॉक हुआ, उसके बाद वो प्लेट टकराई और वो मोमेंट टॉप ऑफ देयर इज सेडिमेंटरी रॉक इन द कोर देयर इज ग्रेनिटिक न्यूट्रॉन्स एंड लाइक वाइज दिस इंडियन प्लेट कोलाइडेड विद द यूरेशियन प्लेट। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। एक चीज़ और विशेष तौर पर हम लोग जानना चाहेंगे कि ये जो जी प्लेट्स का मोशन है, इनका जो जी मूवमेंट है, उसकी जो गति है, उसकी जी वेलोसिटी, तो कुछ सब क्या सारी की सारी प्लेट्स एक ही वेलोसिटी से गमन कर रही हैं, या उनकी ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से उसमें कुछ अंतर आता है? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा प्रश्न डॉक्टर साहब आपने पूछा है, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। सारी की सारी प्लेट्स, बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक प्लेट्स में ही सारे बिंदु भी एक गति से, एक वेलोसिटी से मूव। और इस चीज को समझने के लिए आपने यहाँ पे सामने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यूलर्स थ्योरम को हमको समझना होगा। ये बिंदु यदि मैं किसी किसी प्लाईवुड के टुकड़े को हम नदी में फेंक दे और उसमें एक लाख बिंदु हम बना ले, पेन से कई हजारों बिंदु हम बना ले, उसमें वो सारे बिंदु एक ही गति से, एक ही वेलोसिटी से मूव। लेकिन चूंकि ये मूवमेंट जो है प्लेट्स का, ये स्फेरिकल मूवमेंट, इट इज ऑन द अर्थ, और ये जो स्फेरिकल मूवमेंट है, ये स्फेरिकल मूवमेंट में अब वेलोसिटी को हम, डॉक्टर साहब हम जानते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, दैट इज वेलोसिटी। अब आप आइए जो ध्रुव है, उस ध्रुव पे आइए तो ध्रुव पे डिस्टेंस ट्रेवल इन अ पर्टिकुलर टाइम इज जीरो। जो ध्रुव पे जो बिंदु है, पोल पे जो बिंदु है, वो तो बेचारा वहीं के वहीं है। और जो प्लेट इस पोल से जितनी ज्यादा दूर होगी और इक्वेटर के जितने ज्यादा पास होगी, मतलब फार्देस्ट होगी उससे, पोल से, वो उससे उस वो उसकी उतने ही समय में सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी।
छात्र मेरी बात को समझ रहे होंगे कि जी वो उतने ही समय में, मान लीजिए एक पर्टिकुलर समय में हम ये इस नॉर्थ पोल के एक प्लेट पे बिंदु पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, और एक पर्टिकुलर समय में उसने जीरो डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन उससे समय में वो जो प्लेट है, वो प्लेट जो इक्वेटर के पास है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो ना तो सारे प्लेट के बिंदु एक साथ, अलग अलग प्लेट के बिंदु एक एक वेलोसिटी से मूव करते हैं, यही नहीं, एक प्लेट पे भी यदि हम देखेंगे तो उसके जो पॉइंट्स है वो अलग अलग करेंगे, क्योंकि ये स्फेरिकल मूवमेंट है प्लेट का, ये प्लानर मूवमेंट नहीं है। जैसे कि हम किसी 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 तालाब में किसी प्लाईवुड को फेंक दे और उस पर हजारों बिंदु देखे, वही कई मूवमेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, ऐसा नहीं। इसको समझने के लिए हमको यूलर्स थ्योरम समझना पड़ेगा, और हर प्लेट के लिए एक यूलर्स पोल बनेगा, हर प्लेट के लिए, और वो उस प्लेट के रिस्पेक्टिव वो यूलर्स पोल बताएगा कि इस प्लेट में ये बिंदु किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो कितने उस पोल के नजदीक है और कितने उस पोल के इक्वेटर के नजदीक है, कि कितना उस पोल से दूर है, मतलब इक्वेटर के पास है, वो उसका मूवमेंट सबसे ज्यादा होगा, पोल के पास जो होगा उसका मूवमेंट बहुत सुंदर। तो इसका मतलब ये होता है, कम जैसा सर ने अभी होगा। हम लोगों को समझाया, कि कोई भी प्लेट और उस पर होने उस पर उपस्थित कोई भी बिंदु, उसकी लोकेशन पोल से जितनी ज़्यादा दूर होगी उतना ही उसका ज़्यादा वेग होगा, उतना ही ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि ये एंगुलर डिस्टेंस का मामला है। हम लोग एक सिंपल लाइन के रूप में उस डिस्टेंस को नहीं मानते हैं, ये आर्क के रूप में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इसकी वजह से ये चीज़ जो यूलर्स थियरम के नाम से अभी सब ने हम लोगों को समझाया है इसको। सर अभी ये हम लोगों ने प्लेट्स के किनारों की बात की, तो जी हम लोगों ने कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन्स और ट्रांसफॉर्म प्लेट मार्जिन्स, इन तीन मार्जिन्स को समझा। पर जी क्या कुछ ऐसा भी संभव होता है कि जहाँ पर तीन प्लेट्स एक साथ मिल रही हैं, तो उसके एक्चुअली बारे में भी ऐसे कुछ जी जी हम डॉक्टर साहब, आपसे जानना ये चाहेंगे। ट्रिपल जंक्शन कहलाता है, जी और जहां पे ये देखिए एक बहुत सुंदर एक डायग्राम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे छात्र लोग, जी जी जहाँ पे तीन प्लेट की बाउंड्रीज मिलती है, जी दैट इज कॉल्ड ट्रिपल जंक्शन, एंड फर्स्ट टाइप ऑफ मोर देन 20 ट्रिपल जंक्शन हैव ऑलरेडी बीन आइडेंटिफाइड ऑन द ग्लोब, वेयर द थ्री प्लेट बाउंड्रीज आर मीटिंग टू ईच अदर। एंड उतना ही कॉम्प्लिकेटेड फिर उसका, जैसे कि हम दो प्लेट के बाउंड्रीज के बारे में जब देख रहे थे तो उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में उसके कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म हुआ, यहाँ तीन प्लेट एक ही जगह में अगर मूव कर रही है तो दैट मूवमेंट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड इवन मोर कॉम्प्लेक्स। एंड जी ऑल। जैसे कि अभी देखा भूकंप, अभी रिसेंट में भी भूकंप आया था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत हम जानते हैं कि जो टेक्टोनिक रीजंस और नॉन टेक्टोनिक रीजंस होते हैं, कारण होते हैं भूकंप के आने के, उसमें मेन भूकंप 90% से ज्यादा, और वो भी प्लेट टेक्टोनिक से हम उसको समझना चाहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक से सबसे बड़ा महत्व यही है कि जैसे हम शुरू में चर्चा कर रहे थे कि हेरी हेस के सी फोर स्प्रेडिंग 1960 या 62 में जो उन्होंने दिया, और 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दिया वेगनर ने, और उसके बाद में वेगनर इस चीज को नहीं बता पाए कि उनसे जब ये पूछा गया, काउंटर क्वेश्चन किया गया कि ये आपने बोला कि ठीक है ये कॉन्टिनेंट घूम रहे, ये क्यों घूम रहे, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड देम, ये हम कैसे मान ले कि ये घूम रहे, कोई ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए। तो वेगनर अपने जीवन काल में, यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो 1920 में तो उसके पहले, फिर बाद में जब उन्होंने होम्स ने कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी, तो दो तीन कारण उसके पीछे माने गए, या तो कन्वेक्शन करंट जो गर्म होके कोर से ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर आते हैं और फिर वो सर्कुलर मूवमेंट में घूमते हैं मेंटल में, तो उसके कारण से ये प्लेट्स मूव कर रही है, या दूसरा एक बार जब प्लेट्स डाइवर्जेंट मूवमेंट करना शुरू हुआ तो वो मूवमेंट कंटिन्यूड है और वो ग्लोब पे मूव कर रही है, या तीसरा ड्रैगिंग फोर्स माना गया कि एक प्लेट जब एक स्लैब जब दूसरे के नीचे गया तो वो अपने विंग के कारण उस प्लेट को बाकी के भाग को खींच रहा है, एंड दैट इज द ड्रैगिंग रीजन फॉर
फॉर द मूवमेंट ऑफ द प्लेट, लेकिन इसको अपने जीवन काल में वेगनर साहब नहीं बता पाए और उसके बाद में ये क्लियर हुआ एंड हिज थ्योरी वाज वेरी मच एक्सेप्टेड देन कॉन्टिनेंटल उसी से रास्ता बना, उसके बाद सी फ्लोरिंग ट्रेडिंग आया, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स आया और प्लेट टेक्टोनिक्स से हम इन दोनों चीजों का हल खोजने की कोशिश करते हैं। इवन इंटरेस्टिंगली सारे जो डिपॉजिट्स है मेटलिक डिपॉजिट्स नॉन मेटलिक डिपॉजिट्स इसको भी हमने कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक्स से कोरिलेट करने की कोशिश की है। हमने एक एक, एक डायग्राम में देखा था हमने वोल्केनोस को, क्यों वोल्केनोस इस पर्टिकुलर जगह पे ही आते हैं, इसका आंसर भी हमको मिला कि दे आर कंट्रोल्ड बाय द प्लेट मूवमेंट। वैसे ही अर्थक्वेक के बारे में भी हमको मिला है, हम जान पाए हैं, अभी इतना तो जान पाए हैं कि इसका कहीं ना कहीं इसका प्लेट टेक्टोनिक्स का रोल इसमें है, प्लेट मूवमेंट का रोल इसमें है और प्लेट मूवमेंट के कारण ही ये भूकंप और अर्थक्वेक्स जो है आते हैं और इतना तो इससे और बहुत सारी चीजें अभी अभी उससे कोरिलेट की जा रही है, चाहे वो मेटलिक डिपॉजिट हो, नॉन मेटलिक डिपॉजिट, अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो सर आज आपने इतनी सुंदर ढंग से दी, इसमें इस रोचक जानकारी में आज हम लोगों ने ये जाना कि सबसे पहले ये कॉन्टिनेंट्स आज जिस स्थिति में हैं ये पहले किसी और स्थिति में थे और धीरे 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 इनके अंदर मूवमेंट होते होते हम आज का जो कॉन्फ़िगरेशन अभी हम पा रहे हैं वो कॉन्फ़िगरेशन डेवलप हुआ और ये होने के लिए अलग अलग जो सिद्धांत दिए गए हैं। शुरुआत आपने बताई कि टाइमलाइन के हिसाब से पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी आई, फिर उसके बाद वेगनर साहब की इस थ्योरी को सिर्फ इस बात को लेकर कोई उसका ऑब्जेक्शन आया, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आया कि कोई इस मैकेनिज्म को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि किस वजह से वो प्लेट्स मूव हो रही थी या कॉन्टिनेंट्स मूव हो रहे थे। उसके बाद समय के साथ साथ और भी रिसर्च होते होते ओशन का फ्लोर उसकी स्टडी की गई, सी फ्लोर स्टडिंग स्प्रेडिंग के बारे में एविडेंसेस मिले, फिर हैरी हेस साहब ने और उसके बाद में ट्रूजो विल्सन जी ने इस प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में हम लोग को विभिन्न प्रकार से इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया और ये सारी जानकारियाँ इतने सुंदर ढंग से इतने रोचक ढंग से आपने दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और भविष्य में हम चाहेंगे कि एक क्लास और इस पर हो और इसमें हम विद्यार्थियों के प्रश्न, उनकी जिज्ञासाएं आप शांत करें, ऐसा एक निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतने अच्छे विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया और डॉक्टर साहब मैं भी चाहूँगा कि जितनी भी लिंक्स हमारे पास विद्यार्थियों की है उन लिंक्स में ये हम इसे फेसबुक के भी डोमेन में अपलोड करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को लिंक के थ्रू इसको भेज दिया जाए और अगले सेशन में हम विद्यार्थियों से रूबरू होते हुए उनके प्रश्नों को आमंत्रित करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।